विप्योर, ये सात रंगों का झरना हमने अपने आर्ट लैब के प्रांगण में बना के रखा है। यही तो सात रंग है, जीवन के और लाइट के भी। इसी से जीवन में उजेला होता है और इन्हीं सात रंगों से मिलकर वाइट कलर बनता है। पहले हमने अप्रूवल लेने के लिए मॉडल बनाया, फिर मैंने और स्नेहा सर ने मंजू मैम और प्रिंसिपल मैम को एक ड्राई बैम्बू स्टिक से दिखाया। वसुराज भैया ने एक पुरानी जाली से इसको शेप देकर कपड़ों को सीमेंट में कोट कर अच्छे से वो जाली के ऊपर लपेट दिया। फिर मैंने और रिम्बल मैम ने और नेहा मैम ने मिलकर उस पर वाइट सीमेंट की कोटिंग की और कुछ न्यूज़पेपर भी आवश्यकता अनुसार चिपका दिए। जब ये सूख गया, इसको सूखने में एक दो दिन का टाइम लगा और सूखने के बाद हमने इसको कलर स्टार्ट किया। कलरिंग के लिए हमने विबक्योर के लिए एक्रेलिक कलर्स यूज़ किए और चूंकि हाइट ज़्यादा थी इसलिए चेयर पे चढ़कर बैठकर खड़े होकर थोड़े दिन लगे, बट एट लास्ट कलरिंग भी इसमें हो गई। और फिर हमने बकेट पे गोल्डन कलर कर दिया। कलर की भी हमको दो कोटिंग्स करनी पड़ी जिससे कि इसका लुक एकदम फ्रेश है और कलर सुंदर लगे। ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और इसकी पब्लिसिटी करने के लिए मैंने इसको अपने पर्सनल व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल दिया। स्टेटस पे देख के लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया और हमने एक जो पेड़ यूज़ किया था सपोर्ट के लिए, उसमें कोई मूवमेंट ही नहीं थी। 4-5 ईयर्स से कोई पत्ते नहीं थे, बिल्कुल वो पेड़ बेजान था। कुदरत का करिश्मा देखिए, जब हमने इसको लाड़ प्यार देना शुरू किया और इसके ऊपर ये बनाया तो पता नहीं इसको गर्मी मिली या लोगों ने इसको जो अप्रिशिएट किया, उसके संग आके फ़ोटो खिंचवाई, बच्चों ने अपने अचीवमेंट शेयर करने शुरू किए, उसमें अपने आप नव जीवन की शुरुआत हो गई। उसमें से पत्तियां आने लगी, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। ये हमारी टीम है जिसने इस प्रोजेक्ट को संभव बनाया, ये अकेले तो मुमकिन ही नहीं था। मेरी आंटी ने हमेशा क्लीनिंग में हेल्प किया। प्रिंसिपल मैम देखकर बहुत खुश हुई और उन्होंने अप्रिशिएट भी किया। मंजू मैम हमेशा से ही हमारी प्रेरणा की स्रोत रही है, उन्हें भी पसंद आया। अनुपमा मैम ने भी इसके साथ फोटो खिंचवा के, आनंदी मैम एंड विजया मैम ने भी इसके साथ फोटो खिंचवाई। ये सेल्फी कॉर्नर सा बन गया था। स्टूडेंट्स भी आके अपनी जो भी अच्छी चीज़ें थी इसके साथ खिंचवाना चाहते थे, अपने अचीवमेंट्स इसको दिखाना चाहते थे। हमारे जो स्टूडेंट्स स्कूल छोड़ के जा रहे वो भी इसके साथ फोटो खिंचवाते थे और इसमें से जो पत्ते निकल रहे थे वो देख के बहुत खुशी होती थी। सात रंगों से दोस्ताना हुआ तो यूं हुआ, मैंने बोला जिंदगी आजा खेलेंगे हम ख्वाबों का निगाहों से जुआ। सात रंगों से दोस्ताना हम्म।
नया सवेरा है छुपा हुआ जहाँ रास्ता बुलाए है बताए है सफर, बस गया ख्यालों का जिया में एक शहर।